चार साल बेमिसाल योगी सरकार को चार साल पूरे हो चुके हैं। वहीं चार साल के सफर में योगी सरकार ने बहुत से काम ऐसे किए हैं जो कंट्रोवर्सी भी खड़े किए हैं और काम भी कुछ हुए हैं। सबसे पहले बात करेंगे नामकरण की। कई जिलों के नाम बदले हैं, कई शहरों के नाम बदले हैं, कई जगह मूर्तियां लगाई गई हैं और नामकरण तो होता ही रहता है और पुरानी पद्धति है। सब सनातन धर्म के लिए अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। योगी जी के अपने तर्क हैं, भारतीय जनता पार्टी के अपने तर्क हैं और नाम बदले गए हैं। पुलिसिंग में भी बहुत कुछ सुधार देखने को मिला है योगी सरकार के चार साल में। पहले से बदली है पुलिस, लेकिन वही पुलिस सवालों के घेरे में भी है कि कई जगह से जुआ खिलाती हुई पुलिस पकड़ी गई, कई जगह से वेश्यावृत्ति कराती हुई पुलिस पकड़ी गई, कई जगह से चोरी कराते हुए पुलिस पकड़ी गई और पुलिस ने ही खुलासे किए हैं। तो पहले की पुलिस अब की पुलिस में यह है कि ये दब जाते थे और अब योगी आदित्यनाथ की सरकार में चाहे पुलिस वाले हो चाहे आम आदमी हो कार्रवाई होती हुई नजर आती है। लेकिन हाथरस जैसे कांडों पर भी उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ पर सवाल खड़े हुए हैं और सवालों के बीच में योगी आदित्यनाथ आगे बढ़े हैं। विकास की छुक छुक करती हुई रेल बढ़ाने की कोशिश की है और कई ऐसे कामों को उन्होंने अपना बना दिया जो अखिलेश सरकार ने पूजन किया था और लोकार्पण जो है योगी आदित्यनाथ ने किया है उस पर भी सवाल खड़े हैं। लेकिन योगी का कहना है कि उनके समय में काफी देर हो जाती है, वो करा नहीं पाते, हमने समय रहते करा लिया और ऐसे जो जनहित के कल्याणकारी जो प्रोजेक्ट उन्हें रोक नहीं रहे हैं, हम लोग लगातार कर रहे हैं, किसी भी सरकार ने पास की हो लेकिन हम उसे आगे बढ़ाएंगे। आवास योजना की बात करेंगे, तकरीबन 40 लाख लोगों के लिए आवास योजना दी है और अब मुख्यमंत्री आवास योजना के माध्यम से और जो बचे हुए लोग हैं उन्हें अभी एक साल जो 9 महीने करीबन रह गए हैं उसमें सरकार अच्छा कुछ करती हुई नजर आएगी और उन्हें भी देने की कोशिश करेगी लाभ। लेकिन इनके नेताओं की कहना क्या है, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उनका मंत्रिमंडल हो, चाहे उनके प्रभारी मंत्री हो, चाहे उनके विधायक हो और चाहे संगठन के जिलाध्यक्ष हो, इन लोगों पर सवाल खड़े होते हैं, उनके कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े होते हैं। कई विधायक पंगतबाज हो गए, फोटूबाज हो गए और लोगों के बीच में नहीं रहे। लेकिन जैसे योगी जी की फटकार लगती हुई नजर आई है तो अब फोटूबाजी में परिवर्तन आ गया है, जो पंगत की फोटो थी वो बदल गई है और अब उनके कार जो उन्होंने किए हैं उसकी फोटो डालना आरंभ कर दिया। लेकिन दोस्तों सतर्क रहने की आवश्यकता है, ये नेता है, समय रहते कब बदल जाए, किस पार्टी में चले जाए, इनका कोई भरोसा नहीं है, इनका कोई ईमान नहीं होता, इनका कोई दीन धर्म नहीं होता, इनका एक ही धर्म है अपना विकास, अपना साथ, अपनों का साथ। इसलिए सतर्क रहे, नेताजी की चालों से बचे रहे और आगे बढ़ते रहे। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो क्राइम की अगर हम बात करें तो बड़े पैमाने पर गांव-गांव में क्राइम कंट्रोल हुआ है, यह कहने में कोई कोतराही नहीं है, कोई गलत नहीं है। और लोगों से हमने जब जब गांव चौपालों के माध्यम से गांव में जाके चर्चाएं की है तो उसमें साफ तौर पर चीज खुलकर सामने आई है कि क्राइम कंट्रोल हुआ है। गांव क्षेत्र में जो जातिगत पार्टियां होती हैं, जातिगत पार्टियां होती हैं, जातिवाद के कारण क्षेत्रीय पार्टी इस प्रकार का लाभ उठाती है और उनके जो बुर्गे होते हैं, उनके जो चेले चपाते होते हैं वो गुंडागिर्दी करते हुए नजर आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार इन चार सालों में उसको कंट्रोल करने में कामयाब रही है, लेकिन बड़े क्राइम रोकने में भी कामयाब नजर नहीं आ रही है योगी सरकार। वहां पर सवाल खड़े होते हैं, छोटे क्राइम रोक दिए गए हैं, रोकने की पूरी कोशिश की है, डर भय के कारण रुके हो, कैसे रुके, लेकिन रुके हैं। बड़े क्राइम होते सीधे मर्डर हो जाती है, हत्याएं हो जाती है, ऐसे क्राइम को रोकने में नाकाम है। महिलाओं के उत्पीड़न बड़े हैं लेकिन गांव क्षेत्र में महिलाओं के उत्पीड़न कम भी हुए हैं, ये दोनों चीजें हैं। तो ऐसी जगह योगी आदित्यनाथ की सरकार को जो पॉइंट की हम बात करेंगे तो 50-50 पॉइंट दे सकते हैं हम इन चीजों को लेकर। और अब शिक्षा नीति की बात करें तो अभी कोई शिक्षा नीति ऐसी समझ में नहीं आ रही है कि क्या क्या नए तरीके से इंप्लीमेंट होगा, लेकिन विद्यालयों का कायाकल्प हुआ है, विद्यालयों की स्थिति पहले से बहुत कुछ बदली है और भी आशा करते कि सरकार रहते रहते बहुत कुछ और कर पाएगी। तो विद्यालयों की स्थिति बदली है। पोस्टिंग की बात की जाए टीचरों की तो इनमें बड़ा झामला देखने को मिला है, अपने अपने तरीके से सस्पेंड और वहां पर रीपोस्टिंग कर दी जाती है। तो यहाँ पर भ्रष्टाचार को लेकर योगी सरकार को अभी अगर पॉइंट की बात करें तो हम भ्रष्टाचार को 10 में से 8 इनका कहेंगे 2 नंबर देने की कोशिश करेंगे। भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर योगी सरकार में बड़ा है, किसी भी काम के लिए आप चले जाइए आपको बिना सुविधा शुल्क के काम नहीं होगा, लोग करा रहे हैं। और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अगर बड़ा है तो वो बैंकिंग सिस्टम में बड़ा है और बैंकिंग सिस्टम का भ्रष्टाचार रोकने में नाकाम है सरकार और सरकारी सिस्टम, और उन पर कार्रवाई भी जिस तरीके से होनी चाहिए उस पर नहीं हुई।
दूसरी बात करेंगे ठेकेदारों पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो ठेकेदार माफिया है उन पर कार्रवाई होनी थी, लेकिन योगी सरकार वहां पर भी कार्रवाई करती हुई नजर नहीं आए। इसके बाद करेंगे बड़े सराफ माफियाओं पर कार्रवाई करना चाहती थी, लेकिन योगी सरकार उसमें भी नाकाम नजर आई है, वहां पर कार्रवाई नहीं है। क्राइम तो घटा है, लेकिन जो नंबर दो के व्यापार है वो बड़े है और बड़े पैमाने पर बड़े। खनन माफिया बड़े पैमाने पर सक्रिय है, कई नेताओं के रिश्तेदार खनन माफिया बन चुके, कई नेताओं के रिश्तेदार शराब माफिया बन चुके, कई पदाधिकारियों को शराब बेच रहे हैं। मेरे कैमरे में शूट हुए कुछ रिश्तेदारों के, इसलिए मैं सवाल भी खड़ा करता हूं, उसका जवाब भी देता हुआ आपकी नजर आता हूं, लेकिन जैसे ही पता चलता है बंद कर दिया जाता है, लोगों के बीच में आते हैं बंद कर दिया। मीडिया की कही जाए तो मीडिया का अपना अपना चश्मा है देखने का, अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बात कर सकती है, लेकिन इन 6 और 4 साल में मीडिया का स्तर गिरा है और मीडिया दरबारी बनी हुई नजर आई है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, जनहित के मुद्दे भी लेकर सामने आए, ये भी बात होगी। आप पेपर न्यूज पेपर पढ़ते होंगे, उसमें देखिए आज का पेपर उठाइए, कई पेपरों में केवल ये भी सरकार के गुणगान नजर आए, लेकिन 4 साल में उनकी अनियमितता क्या है, नाकामियां क्या है, उस पर किसी ने प्रकाश तक डालने की कोशिश नहीं है। क्योंकि मोटे मोटे एड मिले हैं, मोटे मोटे पैसे मिलेंगे, तो फिर कैसे कोई बार सरकार पर प्रश्न खड़ा करेगा। और साथ ही साथ आपको और बता दूं, ब्यूरोक्रेसी की जितनी भी चरमता होनी चाहिए वो है, ब्यूरोक्रेसी अपने तरीके से नचा रही है, चला रही है, और ब्यूरोक्रेसी अपने तरीके से भ्रष्टाचार भी कर रही है, उसको रोकने में नाकाम है सरकार। उस सरकारी सिस्टम के आगे नतमस्तक है ना के विधायक हो, मंत्री हो, सांसद हो, जितने भी पदाधिकारी होते हैं, तमाम सत्ता के वो सब नतमस्तक है, या फिर ये कहें कि सांठगांठ है, इसलिए काम होते रहते हैं और कार्रवाई होती नहीं। बड़े पैमाने पर सफेद पोश कुर्ता पजामा वाले नेता छाप नेताजी, जो आजकल नेता पर जीवी का शब्द बहुत अच्छा चल रहा है, वो लोग अवैध खनन के व्यापार में शामिल है, नंबर दो का काम कराने में शामिल है, और तो और कई नेता और उनके चेले चपाटे बड़े पैमाने पर जुगा खिला रहे हैं, वो पुलिस है कि पकड़ नहीं पा रही है, उस पर भी नाकाम है। लेकिन 4 साल बेमिसाल के लिए कुछ कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर नेताजी और उनके कुछ ब्यूरोक्रेसी के अधिकारी बैठ के तालियां तो बजा देंगे, लेकिन जनता के बीच में जाकर जनता की परेशानी का निदान कराने में काफी समय लगेगा, तो शायद वो करा नहीं पाएंगे। आपके क्षेत्र की कौन सी समस्या अभी तक आपके नेताओं ने निपटाई है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और बताएं 4 साल बेमिसाल में योगी सरकार किस तरीके से आप नंबर देते हैं और कितनी कामयाबी भी सरकार रही है। लेकिन अगर योगी जी सही है तो यहाँ के नेताओं पर कितने आप नंबर देंगे, ये भी आप पे सवाल करते हैं। और अब की बार किसकी सरकार, आप लोग रखें जवाब। जय हिंद जय भारत।